स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल APS Infotech पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट से या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 15 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा कर दी। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महेंद्र सिंह धोनी और उनकी क्रिकेट लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सी बातें बताऊंगा जो हर क्रिकेट लवर जानना चाहेगा। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के एक छोटे से शहर रांची से आए हुए थे, लेकिन शहर भले उनका छोटा था लेकिन उनकी जो कामयाबी है वो आज पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि किसी भी इंसान की काबिलियत उसके बैकग्राउंड को देखकर आप नहीं लगा सकते कि वो छोटे शहर से है तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। आज वर्ल्ड क्रिकेट पर छाए हुए हैं वो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उनसे ही जुड़ी हुई तमाम बातें आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे और धोनी भाई के लिए ये मैंने वीडियो बनाया अगर आप सभी को पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे पहले जो भारतीय क्रिकेट में डेब्यू किया वो टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, और जो डेब्यू किया उन्होंने 2 दिसंबर 2004 को श्रीलंका के खिलाफ किया था। उसके बाद उन्होंने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था। दोस्तों ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने पहले ही वनडे में रन आउट हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, वो बिना खाता खोले 0 पे आउट हो गए थे। और अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जो अंतिम टेस्ट है वो 26 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। तो दोस्तों आज हम उन्हीं से रिलेटेड कई बातें करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके पास ICC के तीनों खिताब हैं, या यूँ कहें कि उनके पास T20 वर्ल्ड कप का खिताब है, उसके अलावा 50-50 वर्ल्ड कप का खिताब है, और उसके अलावा चैम्पियनशिप का खिताब है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन टीम को आज उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां पे हम इसे नंबर वन टीम कहते हैं। आज इंडियन टीम का नाम सभी के सामने है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे पहले जो पहला शतक लगाया तो वो पाकिस्तान के खिलाफ राजस्थान में लगाया था, वहीं से उनकी कामयाबी की परचम लहराने लगी। और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो 183 नॉकआउट की पारी खेली उसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखे। तो दोस्तों आप सभी को ये ना मालूम हो लेकिन महेंद्र सिंह को कप्तान बताने के लिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने सिफारिश की थी और उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। तो दोस्तों उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 जो T20 वर्ल्ड कप है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए थे, वहां पे उन्होंने अनजान टीम के साथ युवा और सीनियर के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी टीम को लीड किया और 2007 का वर्ल्ड कप जिताया। वहां पे उन्होंने अपने बेबाक और निर्भय से लिए हुए निर्णय जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वर्ल्ड कप का आखिरी ओवर था उन्होंने उसे जोगिंदर से करवाया जो कि कम अनुभवी और युवा गेंदबाज थे, और उन्होंने वर्ल्ड कप जीत दिलाई। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप कौन नहीं जानता, 28 साल बाद हम वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें भी उन्होंने अपने बेबाक निर्णय लिया और सबको चौंकाने वाला निर्णय लिया। वो युवराज सिंह की जगह खुद नंबर 4 पे आकर बल्लेबाजी की और टीम को लास्ट बॉल पर छक्का मारकर जिताया। जो वानखेड़े में ऐसी संभावना है कि जहां पर जो गेंद गिरी थी छक्के वाली वहां पे वो सीट महेंद्र सिंह धोनी के नाम से रिजर्व रखी जा सकती है उनके सम्मान के लिए। उसके साथ ही अगर चैंपियनशिप 2011-2013 की बात करें तो वहां पे भी उन्होंने टीम इंडिया को विजयी बनाया। तो दोस्तों इस तरह से न जाने कितनी कामयाबियां हैं जो मैं आपको गिना भी नहीं सकता। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में एक
क्रिकेट कह सकते हैं, खुद एक क्रिकेट है। काम कूल रहकर, शांत रहकर कैसे कोई भी निर्णय लिया जाता है वो महेंद्र सिंह धोनी ने बताया। उन्होंने आज तक सभी जो निर्णय थे शांति से रहकर सबके सामने रखे। उनका मानना था कि बिना हा हल्ला के, बिना शोर शराबे के कोई भी कार्य करना चाहिए। दोस्तों ये लाइफ में भी हमें अपनाना चाहिए कि बिना शोर शराबे के कोई भी काम करो और कामयाबी पे जाओ। तो दोस्तों उनके करियर की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में 90 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 4,876 रन बनाए। और अगर उसी में फील्डिंग की बात करें तो उन्होंने 256 कैच पकड़े और 3 रन आउट और 38 स्टंपिंग की। विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी के साथ के जैसा शायद ही कोई इस दुनिया में दोबारा आए। उनकी जो विकेट कीपिंग की फुर्ती थी उसे भुलाया नहीं जा सकता। हम उम्मीद करेंगे कि इंडियन टीम को ऐसा कोई विकेट कीपर बल्लेबाज फिर से मिले। और दोस्तों वहीं अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने 350 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने 10,773 रन बनाए। और वहीं अगर वनडे फील्डिंग की बात करें तो उन्होंने 321 शिकार किए। उसके अलावा बात करें तो 22 रन आउट और 123 स्टंपिंग की। उनकी स्टंपिंग आप खुद देख लेंगे कैसी है। सेकंडों के बल्लेबाज के गलती को वो बहुत बड़े रिजल्ट यानी कि आउट में बदल देते थे। तो दोस्तों वैसा फील्डर वैसा खिलाड़ी शायद ही हमें मिले। और दोस्तों सभी गेंदबाजों को उन्होंने विकेट के पीछे से बहुत बड़े बनाया। विकेट के पीछे से उन्होंने गेंदबाजों को इतने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इनकी गेंदबाजी इतनी सुधरवाई है, वो गेंदबाज खुद उसका क्रेडिट उनको देते हैं। दोस्तों ये सभी को मालूम है लेकिन दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी फुर्तीले और काफ़ी तेज़ दौड़ने वाले थे। उन्होंने एक दौड़ में रविंद्र जडेजा और ब्रावो को भी पीछे पछाड़ा था। लेकिन इतनी तेज़ दौड़ने वाले इंसान के बारे में शायद आप सभी को नहीं पता हो कि महेंद्र सिंह धोनी के करियर की शुरुआत और करियर का अंत दोनों ही रनआउट से हुआ है। जी हाँ दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के करियर के शुरुआत रनआउट से और अंतिम मैच वर्ल्ड कप का हर किसी को याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जिसमें वो रनआउट हो गए और भारतीय टीम वर्ल्ड कप हार गई। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मैंने आपको दी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर ऐसी ही वीडियो की आपको उम्मीद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।